चला है? चल गया। आज आपकी पैसी बाईस की कौन सी क्लास है? फोर्थ। फोर्थ क्लास ऑफ वॉइस। तो इसमें हमें फ्यूचर का देखना है, और फ्यूचर का क्या देखना है? क्लास में हमें ये देखना है, फ्यूचर का सबका नेगेटिव देखना है, यही काम करना है। तो फ्यूचर का नेगेटिव देखना है, तो आइए। अच्छा, फ्यूचर में कितने का बनता है पैसिव वाइज, सबसे पहले तो ये जानना है। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वाइज में यूज हो जाती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कि एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में यूज कर ली जाती है, इसलिए उसका नहीं बनता। समझ पा रहे? दूसरा ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली जाती है पैसिव वॉइस में, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। तो परफेक्ट का तो किसी का बनता ही नहीं, इसमें कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दो निकल गया, बचा क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। सो सिंपल, आइए देखते हैं। तो लिख लीजिए पहले, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेंटेंस लिखो पहला, हम पुस्तक खरीदेंगे। हम पुस्तक खरीदेंगे या सेल प्लस बी, अर्थात बिल भी या सेल भी।
सेल बी का यूज कहाँ होता है? आई और बी के साथ, सेस के साथ। विल बी सेल बी होता है, समझ पाए? बीइंग नहीं होता, ठीक है ना? बीइंग तो आएगा ही नहीं इसमें। इच एम आर बीइंग आ रहा था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव का, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है इच एम आर प्लस बीइंग। वाज वर्ब प्लस बीइंग ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पैसिव वाइज किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता ही नहीं है तो बीइंग यूज कहां से करोगे? यूज ही नहीं होगा, समझ पाए? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी यूज होता है, उसी विल बी शैल बी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को सीख के चलना है, ठीक है? समझ पाए? फ्यूचर परफेक्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन आ जाता है। आइए, तो पहला क्या था बोलिए? हम पुस्तक नहीं खरीदेंगे, तो क्या लिखेंगे? वी सेल नॉट बाय। ध्यान रखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। तो बी सेल नॉट बाय बुक, बुक है ना? क्लियर बात? अब इसका अगर पैसिव हम बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे तो बुक आ गया यहां पे सब्जेक्ट की जगह, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, क्रॉस हो जाता है बुक इधर बी इधर। तो बुक, अब यहां पे बुक है सिंगुलर है, बिल आ जाएगा तो आई बी के अलावा सबके साथ बिल आता है, तो बुक बिल नॉट बी। ये बिल भी सेल भी एक साथ नहीं आएगा क्योंकि बिल और बी के बीच में नॉट आएगा। मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी बिल है, ठीक है? तो इसके बाद नॉट और बी बाद में। बुक बिल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बी ओ यू जी एस टी बॉट बाय। ध्यान रखना ये इधर है और ये इसको मैंने लिख ही दिया। तो बी का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक कोई दिक्कत?
not call उसमें। अच्छा एक चीज बताइएगा, पहले में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है ना, बॉट यूज किया है कि नहीं पहले पैसिव वॉइस में? बॉट नहीं यूज किया है पैसिव? हाँ, ध्यान से चेक करो, पैसिव बाई की जगह बॉट यूज किया है पैसिव में कि नहीं? तो फिर ऐसे कर रहा है। एक्टिव में कहां से यूज होगा? साइकिल ने भी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गांव के क्षेत्रों में, लड़कियां अपना दूर दराज थोड़ा पढ़ने जाने लगी, दूर दराज की लड़कियां भी कॉलेज तक पहुंचने में सक्षम थी साइकिल के माध्यम से, जो एक अच्छी पहल थी। शायद जिसने साइकिल बनाया होगा उसने इतना नहीं सोचा होगा कि मेरे इनोवेशन से या मेरे आविष्कार से वंचित वर्गों को इतना फायदा हो। तो किसी भी आविष्कार से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? संपन्न वर्ग को कि वंचित वर्ग को? वंचित वर्ग को, ऐसा है कि नहीं? मोबाइल वाला मोबाइल से संपन्न वर्गों को ज्यादा फायदा होगा कि वंचित वर्गों को? 100 नंबर पे आप कॉल कर देते हैं, मोबाइल ना होता तो कॉल कर पाते नहीं कर पाते, ऐसा है? जितने भी आविष्कार होते हैं उनसे अधिकांशतः वंचित वर्गों को लाभ होता है, पिछड़े वर्गों को। समझ पाए? ये ध्यान रखना। ऐसे ही मान लीजिए वॉशिंग मशीन से किसको फायदा होगा, अमीरों को या गरीबों को? ये जल्दी दिमाग में नहीं सेट होगा, ये तो वॉशिंग मशीन नहीं जाते। गरीबों को ही फायदा हुआ। मान लीजिए गरीब घर की महिला अगर कंपनी में काम करती है, उसकी सैलरी मान लो 10,000 है, 8,000, 6,000 है, और कपड़ा इतना है, अगर वो धोए तो उसमें 4-5 घंटे लग ही जाता है। अगर पूरे घर का कपड़ा है, मान लो 5 बच्चे हैं, पूरा आधा दर्जन, गरीबों के बच्चे लगभग आधा दर्जन होते हैं, तो कम होने लगे 3-4। आप थोड़ा सा एक पीढ़ी आगे चले जाइए तो 6-6, 7-7, 8-8, 10 रहते थे। आगे मम्मी पापा चल रहे हैं, पीछे पूरी क्रिकेट टीम चल रही है। लालू को देख लो, लालू के कितने बच्चे हैं? काफी बच्चे हैं। लड़के दो ही हैं मेरे ख्याल से, वो अपना
वॉशिंग मशीन से अगर कोई महिला मान लीजिए 1 महीने की सैलरी उसने अपनी गंवा दी और वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो उससे अब वो कपड़ा धोएगी तो उसके टाइम का बचत होगा कि नहीं होगा? होगा। उस टाइम में वो अपना एक्स्ट्रा काम कर सकती है, कर सकती है। एक्स्ट्रा काम करेगी तो उसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अब आपको आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन वॉशिंग मशीन ना होती तो कर सकती थी? जितने भी आविष्कार दुनिया में होते हैं उससे कुछ को छोड़ दो, जो भी आविष्कार होते हैं अधिकांशता उनसे गरीबों को फायदा होता है, वंचित वर्गों को फायदा होता है। इसीलिए वैज्ञानिक भी समाज का एक सबसे बड़ा संत होता है। वैज्ञानिकों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैज्ञानिक बनता कौन है? पढ़ने लिखने वाले लोग ही बनते हैं धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते, समझ पाए? इसलिए आइए, भारत में जब लोग पढ़ के रिटायर हो जाते हैं तो उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के लोग अपना बहुत ही किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, प्रोफेसर का काम करते रहते हैं और लैब में प्रयोग भी करते रहते हैं, तो वही जाके कोई ना कोई रिसर्च कर पाते हैं। भारत में ऐसे रिसर्च बहुत कम हो पाते हैं क्योंकि यहाँ के अध्यापकों की पढ़ने की जो रुचि है वो बहुत कम है, विशेषकर सरकारी स्कूल है। अच्छे लोग भी देखिए, तो हमें ये देखना था विमल विल नॉट बी कॉल्ड बाई विमल दीप्ति के द्वारा बुलाया नहीं जाएगा। अगला कौन सा? राधा राधा साइकिल नहीं चलेगी। इसको मिटाए, लिख लिया आप सब? ठीक है। कृष्ण ने भी कुछ आविष्कार किया था कि नहीं? कृष्ण ने अपने विचारों से आविष्कार किया था। कहते हैं उन्होंने युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दे दिया। किसका? लोग कहते हैं कृष्ण को युद्ध लड़ने की क्या जरूरत थी, महाभारत करवा दी। कृष्ण शौक से तो लड़ने गए नहीं थे, शौक से गए नहीं गए थे। वंचित वर्गों को जब अधिकार नहीं मिलता तो हर गांव में, हर देश में, हर समाज में कृष्ण पैदा होता है जो महाभारत के लिए तैयार करता है लोगों को। वो महाभारत हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है, आंदोलन के रूप में भी हो सकता है, न्यूज समाचार पत्र पत्रकार के रूप में भी हो सकता है। वो आंदोलन एक आंदोलन करता है, एक शिक्षक के रूप में भी हो सकता है, लेकिन आंदोलन होता है। कृष्ण का मतलब है जो वंचित वर्गों के न्याय के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। आइए, तो क्या था? राधा साइकिल नहीं चलाएगी। राधा साइकिल नहीं चलाएगी। तो इसका क्या है? राधा विल नॉट राइट राधा विल नॉट राइट बाई साइकिल। ठीक है, पैसे बनाओगे क्या हो जाएगा भाई? बाई साइकिल BYCYCL बाई साइकिल विल नॉट बी Will not be right road ridden, RIDDEN, ridden by Radha. Bicycle will not be ridden by Radha. Okay. Yes, sir. Will it work? नहीं? With दिक्कत? आगे लिखें। अगला कौन सा है? बस। Yes, sir. आई perfect पे।
फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में कोई परफेक्ट हो सकता है, संभावना होती, लेकिन टेंस है, क्या करो, आना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कहते नहीं, मैं ये काम कर लूंगा, मतलब मेरा ये काम कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जब सेंस ऐसा होता है, एक समय के बाद मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, तो वही फ्यूचर परफेक्ट में आता है। बस हिंदी में इसकी पहचान जो होती है, वाक्य के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, एक सामान्य सी हिंदी की पहचान है, जिसके द्वारा हम हिंदी के सेंटेंस को ये जज कर पाते हैं कि फ्यूचर के किस पार्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट में है या फिर किसी और में। तो पहचान जब आए, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ई आ होगा, ई होगी, और ए होंगे, तो किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। समझ पाए, लिखिए सेंटेंस। राधा उसे राधा उसे बुला चुकी होगी, राधा उसे बुला चुकी होगी, राधा उसे बुला चुकी होगी, राम साइकिल चला चुके होंगे, राम साइकिल चला चुके होंगे, राम साइकिल चला चुके होंगे, मोहम्मद कुरान ला चुके होंगे, मोहम्मद कुरान ला चुके होंगे। ध्यान रखिएगा, हम सब पॉजिटिव में बोल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगाना है, जिससे कि ये क्या बन जाए, नेगेटिव का सेंटेंस बन जाए। तो पहला क्या था, पहला बोलिए, राधा उसे बुला चुकी होगी, तो राधा उसे नहीं बुला चुकी होगी, ठीक है, नहीं जोड़ लीजिए, मोहम्मद कुरान नहीं ला चुका होगा, मोहम्मद कुरान नहीं लाया होगा, ऐसे लिखना, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, मोहम्मद कुरान नहीं लाया होगा, राम अविद्या, राम अविद्या में, राम अविद्या में कार नहीं चलाए होंगे, राम राम को मतलब मान लीजिए कोई विधायक हो, राम अविद्या में कार नहीं चलाए होंगे, राम अविद्या में कार नहीं चलाए होंगे, समझ पा रहे हैं, राम अयोध्या में कार नहीं चलाए होंगे। अगला, बस ये इतना करिए या बोलिए, ये मैं बताता चलता हूँ, राधा उसे नहीं बुला चुकी होगी,
नहीं। राधा उसे नहीं बुला चुकी होगी। क्या आ जाएगा? राधा will not have called him। लड़का है तो him, लड़की है तो राधा उसे नहीं बुला चुकी होगी। एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर PERFECT। कोरोना फैल रहा है नहीं भारत में? लेकिन कुछ लोग तो एक्सपेरिमेंट सेम कर देते हैं। कोरोना नहीं था तो बेचारे हाथ और धो के खाना खाते थे। जब से कोरोना है कुछ लोगों ने हाथ धोना ही छोड़ दिया। अब देखते हैं क्या होगा। मास्क ऐसे रखे रहते हैं, कुछ लोग अपना इसमें डाल लिया, अंदर इसमें डाल लिया। पुलिस को देखे ऐसे, ये पुलिस गई, नो कर लो जो करना हो। फिर पुलिस आ रहा है, ये लगाया, फिर निकले, देख अच्छा देख तो नहीं रहा, बस निकले पीछे, देखिए फिर निकल, आ जाओ कर लो जो। तो तानाशाही से कोई मास्क नहीं लगाता है। मास्क लगाने के लिए लोगों में शौक डेवलप करना होता है, अपनी सुरक्षा का भी शौक होना चाहिए। सरकारें डेवलप नहीं कर पाती, डंडा लेकर पुलिस आती, मास्क क्यों नहीं लगा, मास्क लगाओ मास्क लगाओ। जनता भी कहते लगाएंगे, मास्क लगाया लो निकाल दिए। कुछ लोग तो अपना मास्क खुद लगाएंगे, फिर बाद में इधर कुत्ते को लगा दे, तू लगा घूम, कुछ कुत्ते मास्क लगाए घूमते रहते हैं। इधर पुलिस घूम रहे हैं, कुछ बच्चे तो वैसे भी कुत्ते के मास्क निकाले, वो पुलिस अंकल आ रहे हैं, ये लगाया हूँ ये लगा दे। अब उसमें ये नहीं ना, मास्क आपका चेक किया जाएगा कि आपका मास्क कितना दिन पुराना है, साफ है कि नहीं है, चेक करने का सिस्टम आ जाए, तब लोग थोड़ा और डरे। ऐसा सिस्टम आएगा भी नहीं, पता चला पुलिस वाले कितने का मास्क चेक करेंगे, कितना टाइम पुराना है, कितना चल, कितना क्या। कोई बात नहीं, राधा उसे नहीं बुला चुकी होगी, इसका बेसिक बनाना है। नेताओं को आजकल बहुत कोरोना हो रहा है, will not have। देखो फ्यूचर परफेक्ट में will have यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनता है तो will have been हो जाता है, ठीक है। और पहली वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, पहली के बाद नॉट और will have been। नॉट है तो will not have been, तो he will not have been। कॉल्ड थर्ड फॉर्म ही आता है पैसिव में, हमेशा कॉल्ड वाई आर ए डी एच ई आता है, ठीक है। ये राधा लिख रहा है ना, कॉल्ड वाई राधा है आर ए डी एच। राधा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, राधा अगर ना दिखे तो फिर मथुरा का महत्व ही क्या है। राधा बरसाने में रहती थी कि मथुरा में रहती थी कि गोकुल में रहती थी? बरसाने में। Have been called by राधा और कृष्ण, ये वंचित क्लास के बच्चों का नाम है, गरीब घरों के बच्चों का नाम है, जो सामाजिक रूढ़ियों की वजह से लव मैरिज नहीं कर पाए।
उनको समाज की प्रतिबद्ध मतलब समाज के दबाव में या समाज की संरचना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रुक्मणी से शादी की। लेकिन राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के दिलों से जुड़े रहे। तो आज भी घर परिवार रिश्तेदार समाज में बहुत सारे ऐसे लोग अपने हितों को पूरा करने के लिए या अपनी मनमर्जी चलाने के लिए बहुत सारे कृष्ण को बोलते हैं तो किसी लायक नहीं है, बहुत सारे राधा को बोलते हैं तो किसी लायक नहीं है। तो दोनों बोलते हैं चल भाई जो भी करना हो कर ले, मेरे विचार तो वही रहेंगे जो पहले थे, लेकिन तुम्हारी बात भी नहीं तोड़ूंगा। दिखेगा वो जो तुम चाहोगे, रहेगा वो जो मैं चाहूंगा। दोनों की बातें क्या होती है, लेकिन पूजा रुक्मणी की होती है कि राधा की होती है? राधा की पूजा होने का मतलब ही है कि उस समय के जितने तानाशाह थे, जितने होते, उनकी बेइज्जती हो रही है उनके लिए। समझ पाए? आइए, इसीलिए समाज घर परिवार में जो त्याग करता है उसी का घर परिवार आगे बढ़ता है और उसी का आगे चल के एक इतिहास भी लिखा जाता है। इन्होंने पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए त्याग किया। त्याग करना चाहिए लेकिन क्षमता के अनुसार। ठीक है, राधा उसे नहीं बुला चुकी होगी, राधा विल नॉट हैव कॉल्ड हिम, वैसे ही विल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय राधा, उसे राधा के द्वारा नहीं बुलाया। कर लेंगे अगला बोलिए भाई। राम साइकिल राम आदमी का नाम है, यहाँ भगवान नहीं मानना किसी को, सब भगवान मानने वाले लोग बहुत अच्छे नहीं होते। वो भगवान भारत में भी बच्चों को भगवान माना जाता है, माना जाता है कि नहीं? छोटे बच्चे क्या मानते हैं भगवान? की बात छोड़ो, लेकिन क्या सभी भगवान स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे। क्या सभी भगवान को अच्छा खाना मिल पा रहा है, अच्छा फूड हर बच्चे को दूध मिल पाता है भारत में? नहीं मिल पाता, तो मेरे को नहीं लगता। फिर भगवान मानने से क्या फायदा? भगवान मानने का मतलब ही अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना, केवल अधिकारों की बात करना। इसीलिए भगवान नहीं, जो अच्छे काम करे उन्हें अच्छा इंसान होगा। भगवान जिस दिन मानना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब कि भगवान का दुरुपयोग होने लगता है। मंदिर में पुजारी को भगवान मान लिए, पुजारी के पैर के ऊपर लोग सर को अपना पटक देते हैं, महाराज आशीर्वाद दो आशीर्वाद, पूरा पैसा घर का चढ़ा के ले आते हैं। पुजारी अपना खा पी के गाल एकदम लाल लाल निकला हुआ है पूरा एकदम, और वो चिकन भी अच्छा लगता है, बोलता नहीं तेरे सामने, नो नो, जीवों पर दया करो साहब, ये मछली खाता है मेरा, अरे राक्षस किस्म का आदमी, पहले राक्षस था ये आ गया, इसे सुधारना है, क्या करना पड़ेगा? माँ के दरबार में श्रद्धा लगाओ, श्रद्धा मतलब पैसा चढ़ाओ, पंडित जी उसी पैसे को ले जाकर अपना खरीद ले, बना कोई अच्छा आइटम मतलब या जो भी पुजारी है, पंडित का मतलब है उससे देख से तो लोग मौज कर रहे हैं। हम भारत में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, लोग मंदिर इसलिए बनवाते हैं, श्रद्धा के लिए मंदिर नहीं बनता भारत में, बिजनेस के लिए मंदिर बन रहा है। कोई पागल है इतना पैसा ऐसे लगा दिया बन जाए भगवान करना, बिजनेस के लिए। मंदिर दो ही चीजों के लिए बनता है, बिजनेस के लिए बनता है या तो जमीन को हड़पने के लिए बनता है। गांव में बहुत सारे ऐसे मंदिर बने हुए हैं जो जमीन पर कब्जा करने के लिए बनाए गए हैं, और वो जमीन या तो सरकारी है या तो किसी गरीब व्यक्ति की जमीन है, और बड़े लोगों ने मंदिर बना के उस पर कब्जा किया है। भगवान
को मानने वाले लोग हैं कि भगवान का दिखावा कर रहे हैं, और ये सब बड़े गंदे लोग हैं, गंदे लोग समझ पाए। शौचालय नहीं बनवा पाएंगे गांव में, गरीबों के लिए शौचालय बनवा दे अपना, जा रहे हो तो सुसु अपना वहीं पे करो, नहीं तो कहीं पे घास है यहाँ सुसु कर रहे हैं, इतने में सांप निकल रहा है ये। छोटा गरीब घर का बच्चा बेचारा बरसात में गया सुसु कर रहे हैं, यहाँ सुसु कर रहा था सांप बेचारा यहाँ बैठा, ये निकल रहा है ये, मेरे पर सुसु कर दिया। मंदिर में भगवान रहते हैं, वहां तो केवल सर झुकाना रहता है, प्रसाद खा सकते हो, निकाल नहीं सकते हो, निकालने की जगह नहीं आस पास। मंदिर में अगर शौचालय भी हो तो यहाँ के लोग प्रसाद खाएं, घंटा बजाएं, राधे राधे कूदे, अपना बच्चे टहले, सुसु लग भाग गए यहाँ, फिर सुसु करने के लिए इधर घास का एरिया है, ये एरिया ये एरिया यहाँ पता नहीं, उससे खतरा भी होता है। गाँव में बहुत सारी महिलाओं को सांप काट लिया, बस हो अपना ऐसे ही शाम सुबह जो शौच के लिए बाहर जाती है, गई थी सांप ने काट लिया, किसी को कुछ काट लिया। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कोई मंदिर गया सांप काटने, क्योंकि मंदिर जो बना रहता है वहां पे सांप की, सांप को आने की गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं, तो ध्यान रखिएगा। भारत में मंदिर बहुत ज्यादा है, देवता बहुत ज्यादा है, यही वजह है कि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो सबको बटना पड़ता है। मैं कृष्ण को मानता हूँ, राधे को मानता हूँ, अभी गांव गांव में मान लीजिए 12 लोग हैं, एक कृष्ण के पुजारी हैं, ये राम के पुजारी हैं, ये सीता के पुजारी हैं, हनुमान के पुजारी हैं, ये किसके पुजारी हैं, ऐसे मान लो शंकर के पुजारी हैं, ढूंढना है कितना देवता ढूंढ सकते हो, दुर्गा काली शेरे वाली और वैष्णो देवी घंटा वाली कहना ये बाबा में एक बाबा है पेटासुदास बाबा, उनका नाम था कौन सा बाबा, पेटासुदास, राम रहीम, ऐसे तो गांव में बहुत सारे ऐसे डेवलप होते थे, मान लीजिए ऐसे 50 टाइप के हो गए। अब सब सब जो भी हुआ, कोई भी जमीन मिली हड़पने के लिए, हनुमान का बना दिया, शंकर का बना, ये इनका बना, ये इनका बना, ये इनका, ये इनका, ये इनका, मंदिर बहुत सारे बन गए, शौचालय नहीं बना, बस ये लिख देंगे यहाँ पे पेशाब करना मना है। तो पेशाब करना क्यों लिखना पड़ रहा है, इसका मतलब पेशाब करने की जगह ही मैंने नहीं बनाई है इसलिए मना है, कहीं कर मत देना यहाँ के। समझ पाए क्यों, क्योंकि जो पेशाब की जगह थी उसको मैंने क्या बना दिया ये। अगर इतने लोग मिल के, ये जितने लोग हैं अभी अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन एक ऐसी विचारधारा है स्वच्छता, मान लीजिए यहाँ पे बन जाए क्या शौचालय, अब कोई ऐसा तो है कि नहीं मेरे को ये शौचालय नहीं पसंद है, ये शौचालय नहीं पसंद है, ये कभी आपने कुछ सुना किसी के मुझे इसी ये शौचालय नहीं पसंद, बस शौचालय। तो इसलिए क्या है, अगर 4 शौचालय भी बन जाए तो काम खत्म, सार्वजनिक स्तर पे हर गांव में या मोहल्ले के इलाके बन जाए, समस्या का समाधान, बरसात जाड़ा ठंडी गर्मी सबके लिए सुविधा। अब कोई यहाँ घूमने आया गांव, अब सोचो कहाँ जाए, गांव वाले पिला रहे पानी और पी ले भाई साहब, शरबत पी ले, ये पी बोला कहाँ पेशाब करने, अरे उधर चले जाओ, उधर क्या देख रहा, फिर 2 लोग निकले कहाँ यार था, उधर निकल जाओ, अब वो फिर जा रहे, पता चला पूरा गांव पार हो गया। कि नहीं अब दिक्कत फिर है, फिर गांव के बाद मान लीजिए किसी खेत के किनारे बेचारा अपना लगा है वॉशरूम करने, फिर गांव के 2 लोग जा रहे हैं, कहाँ का रहने वाला है, सुसु करने की जगह है, मैं यहाँ दौड़ता हूँ या बैठता हूँ या यहाँ गाय आके मेरी चलती है, तो प्रॉब्लम। इसीलिए तो भारत में देवालय की जरूरत है कि शौचालय की जरूरत है, शौचालय की जरूरत है, कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है लोग क्या कहेंगे,
सबसे बड़ा भगवान है सफाई, स्वच्छता। गरीबों को इसी से लाभ मिलता है। और भगवान जहां भी बनाए जाते हैं आप देखिएगा, वो अतिक्रमण करने के लिए लोग मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं। अभी आप निकल रहे हैं रोड पे तो दो चार शंकर भगवान तो रखे ही होंगे कहीं पास में, ये ऐसे रख देंगे, और फिर दो चार रखेंगे, फिर एक डिब्बा ला के रखेंगे ये, फिर दो महीने बीत जाएंगे, फिर चार एक लग जाएंगी ये, फिर एक पंडित जी आएंगे या साधु जी आएंगे अपना यहाँ फूल माला चढ़ा के भाग जाएंगे, फिर धीरे धीरे और घेरा बन गया, दस लोग आने लगे, फिर पहले आते थे भाग जाते थे, अब एक एक घंटा बैठेंगे, अब मान लीजिए दिहाड़ी 200-300 की आ जा रही है तो फिर 2 घंटा बैठेंगे, फिर दिहाड़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, अब सुबह आएंगे शाम तक रहेंगे, फिर धीरे धीरे कब्जा बढ़ने लगे, इधर रहने के लिए एक मकान बना लेंगे, फिर पता चला पूरा एरिया खेल दिया। ऐसे होता तो ये इनकी जमीन थी, ये किसी न किसी का कब्जा किया, आपको यार पंडित मैंने आप कुछ लोग आए थे कह रहे थे ये भगवान यहाँ मंदिर हटाने को कह रहे थे इसी की वजह से आप सबका कर। अब भक्त लोग पूरा किसकी हिम्मत है भगवान को, इन्हीं की वजह से तो मेरे बेटा नहीं हो रहा था बेटा हुआ, कुछ लोग बोले इन्हीं की वजह से मेरी गाय बछड़ा नहीं दे रही, बछड़ा दिए किसकी हिम्मत है बोल दिया हटाने। अब जितने लंडा इकट्ठा हो गए लंडे बोले भाई रहने दे तू बना ले और ले ले भाई दो गए नहीं। अब नेताजी भी नहीं आ सकते, नेताजी अरे वोट नहीं देंगे नेताजी, नेता की कैसी हिम्मत, चलते मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाई बना ले यार, रहो रहो आराम से रहो, एक आध कमरा और दे दे मजाक कर रहे, दुनिया मान में जाए पूरा कब्जा के लिए बैठे। भारत में आप कहीं भी रोड के किनारे निकल जाओ कब्जा किया गया कि नहीं, शौचालय नहीं मिलेगा, और ध्यान रखिएगा सुस्सू लगी तो तुम्हारा काम मेट्रो में जाओ, उधर जाओ उधर जाओ मर जाओ नहीं पता मेरे लेकिन अब पैसा है तो आ जाओ चढ़ाओ आनंद करो घंटा बजाओ रहो, सुस्सू लगे तो नो जाओ बाहर ये करते रहे तो ये इसी वजह से भारत पीछे जा रहा है। डेवलप कंट्री में सुसु के लिए है, घंटा नहीं बजाना है, काम करो आराम से मेहनत करो चार पैसा कमाओ बीवी रखो। हाँ क्या कह रहे थे सेंटेंस बोलिए आगे, धर्म से धर्म में किसका शोषण करता है अधिकतर, गरीबों का, जो भी पढ़ा लिखा नहीं होगा धर्म उसका शोषण करेगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो धर्म को अपने अनुसार मोड़ देगा, समझ पाए, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। धर्म बनाने वाले ने बनाई थी समाज की भलाई के लिए, कुछ लोगों ने धर्म को हथिया लिया अपनी भलाई के लिए, पार्टियां भी राम के नाम से चुनाव करते रहते हैं, अब राम ने कभी नहीं सोचा होगा मेरे नाम से सरकार बन जाएगी सोचा होगा कि नहीं, नहीं सोचा होगा, सोचा ही नहीं था मेरे नाम से जनता इधर एक तरफ इधर एक तरफ, लेकिन अच्छे लोगों को बुरे तरीके से कैसे यूज किया जाता है ये आप कहीं भी देख सकते हैं, जनता समझदार नहीं है दिक्कत होती है। आइए क्या था अगला वर्ष बोलिए, राम साइकिल नहीं चला चुका होगा, ये हो गया राम साइकिल नहीं चला चुका होगा, राम साइकिल नहीं चला चुका, राम साइकिल नहीं चला चुका होगा, साइकिल नहीं चला
टेंस में है फ्यूचर परफेक्ट, इसी का ट्रांसलेट करो क्या हो जाएगा, राम विल नॉट है राइड रोड रेडी आर आई डबल डी ये। देखो राइड मीन सवारी करना, साइकिल सवारी की जाती है, जिस पे ड्राइवर ना रखा जाए वो क्या किया जाता है सवारी, जैसे शेर पे सवारी की तो शेर की राइडिंग है, लॉयल राइडिंग, कभी आपने सुना है लॉयल राइडिंग, वो लॉयल राइडिंग करने गए थे डॉग राइडिंग सुना है, कुत्ता राइडिंग, कुत्ते पर भी शायद लोग बैठ नहीं पाते, अभी बैठने की कला विकसित नहीं की, कुत्ते में विकसित कर वो कुत्ता बैठ जाता है, ये काट लिया हाउ पता चलो भाई चाहे बैठे थे और कुत्ते ने ऐसी जगह काट लिया ना बताने लायक ना समझाने लायक डॉक्टर भी बोल रहा कि क्यों तुम कुत्ते से लग गए थे, चीख रहा था कुत्ता काट लिया अब डॉक्टर के पास भी नो इसका कोई इलाज नहीं मरने के सिवा ठीक है कहते हैं तो कुत्ते से इसी लोग ज्यादा भिड़ते नहीं, कुत्ता पालते हैं कुत्ता लेके चलते, शेर को भी लोग पाले तो लेकिन उस शेर कब्जे से बाहर हो गया पता चला खा लिया शेर भूख लग गया शेर भोजन नहीं मिल रहा चल मालिक तू ही है शेर कोई खाते हैं ये चीज है और लॉकडाउन में तो शेर कई मालिकों को खा चुका होता अगर लोग पाले होते तो ठीक है राम मिलना अच्छा लेकिन लॉयल राइडिंग चल सकता है कैसे चल सकता है पता है कुत्ता पालो कुत्ते को शेर बना दो उसके ऊपर कलर कर दो कुछ कपड़ा ऐसा पहना दो और उसके ऊपर बैठ के चलो लॉयल राइडिंग आज चलाई जा रही है जिसको लॉयल राइडिंग देखना हो उसकी फीस है 2,000 रुपए रख दिए यहाँ 2,000 रुपए लेकिन उस पर बैठाने बैठने के बाद वो भौंकेगा जान जाएंगे केवल खुद से खुद को ही जानना है आवाज भागना है उसकी ना बैठ जाना है और भगाओ अपना तेजी से ये जा रहा कुत्ता कुत्ते उधर पैसा ले लीजिए फिर जहाँ लोग कुत्ता भूखा हो गया है भौंकने वाला है बोल दो लॉयल राइडिंग खत्म फिर कुत्ते को निकल शेर कहाँ गया शेर चला गया जंगल में आइए कुछ दिन में शुरू होगा लॉयल राइडिंग अगर लोगों ने शेर को पालना सही से सीख लिया हॉर्स राइडिंग आ गया एलिफेंट राइडिंग आया कि नहीं छोटे छोटे बच्चे अपना हाथी पर बैठे थे चल हाथी चल हाथी नच रहे ये अपना जितने बैठे थे नीचे ची ची करने लगे मेरे क्यों बैठा है उसपे क्यों बैठा है उसपे आई राम विल नॉट राम विल नॉट है रिडन क्या है बाय समझ में इसका जो ट्रांसलेशन हुआ ध्यान रखना इसका जो स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बिलियस है प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता तो सब्जेक्ट प्लस बिल है या सेल है हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ठीक है आइए इसका पैसे देखें क्या हो जाएगा पैसे बाई साइकिल बिल नॉट है क्या जाएगा बी बाई साइकिल बिल नॉट है बीन रिडन बाई कोई दिक्कत मोहब्बत कुरान नहीं
मोहम्मद दोनों एक साथ अपना सिनोनिम्स हैं, लेकिन मोहम्मद को मानने वाले अधिकांश लोग तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत लेके घूमते रहते हैं, कहीं आतंकवाद फैला रहे हैं, कहीं अपना जाके ये अफगानिस्तान में महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, कब्जा कर लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के। तो ये मोहम्मद की जो प्रायवाची मोहब्बत है उसको ये लोग नहीं मानते, कट्टरता फैलाते हैं। तो मोहम्मद वास्तव में मोहब्बत ही है, मिटाए से नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन कुछ लोग बोलिए क्या मोहम्मद कुरान में लाया हुआ। मोहम्मद यहाँ एक व्यक्ति का नाम है, मोहम्मद खरीदने के लिए भेजा गया भाई, लेके आप नहीं लाया बेचारा, मोहम्मद कुरान नहीं लाया होगा, तो मोहम्मद विल नॉट हैव, ब्रिंग मींस लाना, ब्रॉट बी आर ओ यू जी एस टी, मोहम्मद विल नॉट हैव ब्रॉट द कुरान, कुरान एक रिलीजियस जो बुकें होती हैं उनके पहले दाखा ही पैसिव में, ये डबल एस आई जी पैसिव वाइज द कुरान विल नॉट हैव, द कुरान विल नॉट हैव बीन brought b r o u g s t brought by Muhammad m o h a w m a d m o h a w m a d ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, समझ पाए? ठीक है, अपने मनोरंजन और ज्ञान वर्धक पूरा हुआ। अब हमें देखना क्या है इन सब का, ठीक है? इंट्रोगेटिव में जो ऐसा नो टाइप है वो बहुत आसान है, वाई टाइप है उसमें कुछ जैसे हु का यूज हुआ तो वहां पे खुद देखेंगे बाई हुम में चेंज होता है, तो ऐसा नो टाइप हमें देखना है, और इसके बाद ऐसा नो टाइप भी हो सकता है एक दो क्लास में पूरा हो जाए, तो इसे बेहतर डिटेल से समझ लेना है। यहां तक समझने में तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, है कि नहीं? आएगी तो वीडियो एक बार दोबारा देख लेना है, क्या दिक्कत है, खुद भी देखो पड़ोसी को भी शेयर कर देना, तो भी जरा सीख ही ले, समझ पाए? तो आसान भी है, जिसको पैसिव वॉइस आसान कठिन लगती होगी उसको आसान लगने लगेगी अगर वो ध्यान से देखेगा और हल्के मन से देखेगा, वो तनाव से नहीं देखेगा, समझ पाए? तो बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में इंट्रोगेटिव।